गुड इवनिंग माधव सेन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माधव सेन, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माधव सेन, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्टिबल पेपर मनी एंड नॉन कन्वर्टिबल। सही सुना माधव सेन कि कन्वर्टिबल पेपर मनी और नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी में क्या अंतर है। उसके पहले आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे, तो एक बार जयकारा लगाइए, हरर महादेव, हरर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माइंड में कन्वर्टिबल पेपर मनी और नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी में क्या डिफरेंस है। तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। एक तरफ कन्वर्टिबल पेपर मनी रखते हैं, एक तरफ नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी। कन्वर्टिबल पेपर मनी को हम कन्वर्ट किया जा सकता है और नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्टिबल पेपर मनी को कन्वर्ट गोल्ड सिल्वर रिजर्व रखे उसको हम उसकी वैल्यू के बराबर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी वैल्यू के रूप में उसको निकाल सकते हैं। और जबकि नॉन कन्वर्टिबल मनी को हम गोल्ड सिल्वर रिजर्व करके हम नहीं निकाल सकते एज ए करेंसी। कन्वर्टिबल पेपर मनी कुछ ही देशों में प्रचलित हुए जबकि नॉन कन्वर्टिबल मनी सभी देशों में प्रचलित है। नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी को हम दूसरी भाषा में कॉमर्शियल पेपर भी कहते हैं। और कन्वर्टिबल पेपर मनी में जैसे करेंसी नोट्स को हम कन्वर्टिबल पेपर मनी कहते हैं। ओके भाई, नॉन कन्वर्टिबल मनी का यूसेज प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कम होता है जबकि नॉन कन्वर्टिबल मनी का हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में बहुत होता है। नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी एज प्रकार से कमर्शियल पेपर होता है जिसमें जो गोल्डन पेपर सिल्वर पेपर के फॉर्म में होता है, और नॉन कन्वर्टिबल मनी सिंपल एक पेज के पेपर के फॉर्म में होता है जो वुड सेल ट्रीज के लकड़ियों टिम्बर से बनाया जाता है। ओके भाई सर, नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी एज ए कमर्शियल पेपर होता है। ओके भाई सर, जिसमें गवर्नमेंट का मुहर साइन सिग्नेचर सारा चीज होता है, जबकि नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी में भी वही सारा गवर्नमेंट का मुहर सिग्नेचर होता है, लेकिन जो अलग अलग देश की अलग अलग हो सकती हैं, जो अलग अलग देश में अलग अलग टाइप की हो सकती हैं बट पेपर मनी होती है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपीस। यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर। तो यहाँ पे यूएस डॉलर नोट, इंडियन रुपीज नोट, पाकिस्तानी रुपीज नोट एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी के एग्जांपल है। और कन्वर्टिबल पेपर मनी में जैसा कि हम बता सकते जो भी गोल्डन पेपर सिल्वर पेपर कमर्शियल पेपर जो भी होते हैं जो गोल्डन सिल्वर के फॉर्म में होते हैं उसी को नॉन। ओके वैसे तो आज हमने चर्चा किया सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कन्वर्टिबल पेपर मनी एंड नॉन कन्वर्टिबल पेपर मनी। ओके वैसे सो वी हैव डिस्कस द डिफरेंस रिलेटेड टू यूसेज मीनिंग एंड फंक्शन एंड विथ एग्जाम्पल। ओके वैसे अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं विषय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दीन दुनी ना चौगड़ी तरक्की के, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाते। और मेरा मानना है वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल। ओके मेंशन, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मनी एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। फॉर योर गाइडेंस कल का एडवांस टॉपिक हम बता दें मार्च से, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक, इसका मीनिंग फंक्शन टाइम स्ट्रक्चर। ओके मैं तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह मनी एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन हरर महादेव, हरर महादेव।